أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. All my dear students, Assalamu alaikum. मैं हूँ आपका न्यू टीचर एहसान अली लाखियर, सिक्स क्लास का इंग्लिश टीचर. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ यूनिट टू एंड द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट द सी. सो टुडेज़ डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट द सिलेबल्स. हम आज सिलेबल्स के बारे में जानेंगे, जो कि एक सिक्स क्लास के यूनिट टू का टॉपिक है सी के बारे में. सिलेबल फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं? सो हमने ये आउटलाइंस बनाई हैं, इस आउटलाइंस के मुताबिक हम पढ़ेंगे कि पहले सिलेबल्स होती क्या हैं, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे. देन देयर आर सम मीन्स मेजर टाइप्स ऑफ सिलेबल्स गिवन इन दिस टेक्स्ट. नंबर वन इज़ अ मोनो सिलेबल, बाय सिलेबल. नंबर थर्ड वन इज़ अ ट्राई सिलेबल एंड फोर्थ वन इज़ अ पॉली सिलेबल. जैसे कि हम जानते हैं कि सिलेबल के चार टाइप्स होते हैं, और अब उनको हम सीरीज़ वाइज मतलब उनको डिस्कस करेंगे. और कोई भी सिलेबल ऐसी नहीं होती जो कि वावल साउंड के विदाउट बनती है. इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ सिलेबल विदाउट द वावल साउंड. जिस जिस वर्ड में वावल होगा, जिस जिस वर्ड में वावल साउंड होगा, तो सिलेबल बन सकती है. जिस वर्ड में वावल साउंड नहीं होगा तो वो सिलेबल नहीं बन सकती है. सो सीरीज़ वाइज मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हैं. मोनो सिलेबल के एग्जांपल भी लिखे हैं मैंने, बाय सिलेबल के एग्जांपल भी लिखे हैं, ट्राई सिलेबल के एग्जांपल भी लिख दिए हैं मैंने, और जो पॉली सिलेबल के एग्जांपल्स होते हैं वो भी लिख दिए हैं मैंने. सो हम शुरू करते हैं सिलेबल से. सिलेबल होती क्या हैं? सो बेसिकली सिलेबल आर द यूनिट्स ऑफ साउंड. सो इन सिंपल वर्ड्स हम बहुत ईजी लैंग्वेज में उनको कन्वे मैसेज करते हैं कि सिलेबल एक साउंड की यूनिट्स होते हैं, जिसको वर्ड मतलब डिवाइड होता है. मतलब हर वर्ड में लाजमी नहीं है कि एक सिलेबल हो, या जिस वर्ड में जितने मतलब वावल्स होंगे तो उतने सिलेबल बनेंगे. एक वावल साउंड होता है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेबल आर द यूनिट्स ऑफ साउंड, मतलब सिलेबल जो होते हैं साउंड्स के यूनिट होते हैं. इन टू विच अ वर्ड कैन बी डिवाइडेड, जिसमें वर्ड क्या होता है, डिवाइड होता है. ईच सिलेबल हैज़ अ वावल साउंड इन इट, मतलब जो भी सिलेबल होती है उसमें ज़रूर एक वावल साउंड होता है. विदाउट वावल साउंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ सिलेबल. मतलब जिस वर्ड में सिलेबल वावल नहीं होगा, जिस वर्ड में वावल साउंड मतलब ये वावल साउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस वर्ड में वावल साउंड नहीं होगा तो इट्स इम्पॉसिबल टू मेक इट. सो वर्ड्स विच हैव ओनली वन सिलेबल और बीच आर कॉल्ड कंसिडर्ड द मोनोसिलेबल. अब मोनोसिलेबल वो होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपकी आसानी के लिए एग्जांपल्स. मोनोसिलेबिक सिलेबल के बेसिकली चार टाइप्स होते हैं, जिसमें एक वावल साउंड होगा उसको हम मोनोसिलेबल कहेंगे, जिसमें दो वर्ड मतलब दो वावल साउंड होंगे उसको हम बायसिलेबल कहेंगे, जिसमें तीन मतलब वावल साउंड होंगे उसको हम ट्राई सिलेबल कहेंगे, और जिसमें फोर वावल साउंड होंगे उसको हम पॉली सिलेबल कहेंगे. अब ये है कि हम एग्जांपल को ज़रा देख देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल शिप, एस एच आई पी. नाउ शिप में ये क्या लिखा हुआ है, सी वी सी. ये ऐसे लिखा हुआ है कि इसमें एक कॉन्सोनेंट साउंड है, बीच में जो है वावल साउंड है, और उसके बाद ये कॉन्सोनेंट साउंड है. तो शिप में कितने मतलब सिलेबल्स आ गए, एक सिलेबल है. ये सी वर्ड है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ई और ए दोनों वावल हैं, मगर ये वावल दो हैं, मगर ये साउंड एक बन रहा है ई ए का, इसलिए इसमें क्या होगा, ये भी एक मोनो सिलेबल ही है, एक सिलेबल है इसमें. और जो थर्ड वर्ड है बी ओ ए टी, बोट जो वर्ड है, ये भी मतलब इसकी ये वर्ड जो सारे हैं जो ये सी से एफिलेशन है, इनकी सी से कनेक्टेड है, बिकॉज जो सी होता है समंदर होता है उनसे मतलब एफिलेशन है. जो भी वर्ड्स हैं इसमें मतलब कॉन्टेक्स में यूज़ किए गए हैं वो सी से एफिलेशन है उनकी, वो सी से कनेक्टेड हैं. और जो फोर्थ वर्ड है हमारा फिश, एफ आई एस एच, जो फिश वर्ड है हमारा, इसमें अब एफ आई एफ जो हमारा है वो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वावल्स होते हैं वो पांच होते हैं, ए ई आई ओ यू, और वाई भी सेमी वावल है, और उनके अलावा जो भी हमारे अल्फ़ाबेट में लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं. तो ये जो सी वी सी हमारा यहाँ मेंशन हो रहा है, ये हमारे कॉन्सोनेंट को, वावल को और कॉन्सोनेंट को शो कर रहे हैं. मतलब एस एच ये हमारा कॉन्सोनेंट है, शे साउंड है, बिकॉज जो सिलेबल्स होती हैं उनमें हम ये नहीं देखते हैं कि कितने कॉन्सोनेंट होते हैं या कितने वावल्स होते हैं, हम उनमें ये देखते हैं कि इसमें साउंड्स कितने हैं.
ये वावल साउंड हम देखते हैं ई ए, जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है वो मतलब ऐसे है कि मतलब वावल हमारा साउंड एक बन रहा है ई ए से, यहाँ ए आई हो गया, ये वावल तो दो हैं मगर साउंड हमारा एक ही बनता है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं जो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। मोनोसलेबल है हमारा, इसमें हमारा एक सलेबल आ जाता है। हमारा जो बायसलेबल है, बायसलेबल उसको कहते हैं जिसमें दो सलेबल्स हों। दो सलेबल्स कैसे आते हैं, मतलब एफ़ ई डबल आर वाई, हमारे इसमें कितने वावल हो गए, इसमें एक वावल है तो एक सलेबल बन रहा है, इसमें दो वावल हैं तो दो सलेबल बन रहे हैं, इसमें अगर तीन वावल आ रहे हैं, ओ से वावल है, यहाँ पे ओ भी है और यहाँ पे ए है, तो इसमें तीन वावल्स आ रहे हैं तो हमारे ये क्या हो गया, ट्राई सलेबल हो गया, मतलब तीन सलेबल वाले अल्फाज। मतलब यहाँ पे एक बोर्ड का टाइप लिखा हुआ है गोंडोला, इसमें हमारे तीन वर्ड्स तीन वावल्स होते हैं तो हम इसको कहते हैं ट्राई सलेबल। और हमारा फोर्थ वन टाइप जो होता है वो होता है पॉलीसलेबल। पॉलीसलेबल वो अल्फाज होते हैं जिनमें चार मतलब सलेबल्स आए, तो चार या चार से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा मतलब कोई भी सलेबल्स आ जाते हैं हम तो उनको क्या कहते हैं, पॉलीसलेबल कहते हैं। ये हमारे एग्जांपल्स दिए गए हैं बहुत आसान बुक में आपके, जो आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है शिप, शिप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वन सलेबल। शिप में कितने वावल हैं आप देख रहे हैं, एस एच हमारा कंसोनेंट साउंड हो गया और जो हमारा ई हो आई है ये वावल साउंड है तो हमारा इसमें वन सलेबल है। और हम यहाँ देख रहे हैं जो फेरी है, फेरी वर्ड, फेरी क्या है, द नाउन्स आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ बोट्स। ये जो चार अल्फाज लिखे हुए हैं ये मतलब क्या हैं, ये मतलब बोट्स हैं, टाइप्स ऑफ बोट्स हैं, बिकॉज ये जो टॉपिक है आपका यूनिट टू का वो है सी के बारे में, समंदर के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने बोट्स के काइंड लिखे हैं, कश्तियों के काइंड्स लिखे हैं। और जो तीसरा वर्ड है हमारा जी ओ एन डी ओ एल ए, गोंडोला, तो हमारा ये इसमें जो वर्ड आए मतलब इसमें जो वावल लेटर्स आ रहे हैं वो तीन हैं, यहाँ पे पहले जी के बाद हमारा ओ आ रहा है, एन के बाद डी के बाद हमारा ओ आ रहा है और एल ए के बाद हमारा ए आ रहा है, तो इसमें भी हम देखें कि तीन सलेबल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है तीन सलेबल्स। और हमारा फोर्थ जो वर्ड है वो हमारा पॉलीसलेबल का वर्ड है जो आप देख रहे हैं कि सी ए टी ए एम ए आर ए एन, तो हमारा जो ये वर्ड है मतलब इसमें हमारे चार वावल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ए हो गया, सी के बाद ए हो गया कैच, उसके बाद ए आ गया, उसके बाद एम ए, एम के बाद फिर ए गया आ गया, उसके बाद आर के बाद ए आ गया, तो हमारे इसमें क्या हो गए, फोर सिलेबल हैं। तो अब आप ये टेक्स्ट पूरा पढ़ेंगे सिलेबल के बारे में, ये आप पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे मतलब यहाँ से लेकर, मैं आपको ईजीली बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक टेक्स्ट आप पढ़ेंगे फिर आपको इनमें से एच डब्ल्यू के लिए मतलब एटलीस्ट दो दो या चार चार वर्ड्स जो हैं वो आपको सलेबल्स बनाने होंगे, दो चार मोनोसलेबल के बनाने होंगे, दो चार बायसलेबल के वर्ड बनाने होंगे और दो चार हमारे क्या बनाने होंगे, वो पॉलीसलेबल के वर्ड बनाने होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।